वेलकम टू कल्वर कुरान कैलीग्राफी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। एंड टुडे वी विल लर्न हाउ टू राइट सूरह कौसर ऑन कैनवस। लाइक कि कैनवस पर हम सूरह कौसर को किस तरह से लिखेंगे, लाइक उसकी कैलीग्राफी, कैनवस पर पेंटिंग, कलर्स और सब कुछ क्या क्या होगा, मतलब वो फुल डिटेल के साथ हम सीखेंगे। सबसे पहले ये मैं कलर्स ले रही हूँ, एक्रेलिक कलर्स हैं ये। ये है मेरा मटेरियल जो कि इसमें यूज़ करेंगे इस कैनवस को रेडी करने के लिए। एंड आप सब देख सकते हैं ये। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक मतलब के कैनवस को ज़रा डैम्प कर रही हूँ ताकि मेरी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो सके। डैम्प करके उसके बाद मैं इसको कैनवस को जैसो प्राइमर के साथ प्राइम करूँगी। ये देखें, ये ब्लू बर्ड का जैसो है एंड इसको बहुत अच्छे से मैं कैनवस पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि हमारा कैनवस रेडी हो सके पेंटिंग के लिए। अब ये हमारा कैनवस रेडी हो गया है। अब मैं स्केचिंग कर रही हूँ कि किस तरह से मैंने बनाना है। लाइक मैंने आइडिया एक सेट किया हुआ था ना अपने माइंड में कि मैं इसी तरह से बनाऊँगी, तो ये मैंने वही स्केच किया है। ये राउंड सर्कल बनाने के लिए आपको कंपास की ज़रूरत होगी और ये मैं सिंपल एक कंपास यूज़ कर रही हूँ। अब रेड रोज़ एक्रेलिक कलर लिया है मैंने जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये मैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट से अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, ताकि एक 3D लुक आ सके। ये देखें, मैंने कोई इसकी बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं की, सिर्फ क्रिस क्रॉस मतलब वो किया है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट से, पैटर्न से मैंने अप्लाई किया है। अब मैं ब्लैक कलर लगा रही हूँ बॉर्डर पर और इसको भी मैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के ज़रिए, लाइक क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में ही मैं इसको रेड कलर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक 3D लुक आ सके। ये देखें इस तरह, और ये इस तरह, और अब मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ। मैं इसको इस वाले बॉर्डर पे लगा रही हूँ, ये जो साइड पर एक मैंने लाइन लगाई है, मार्जिन लगाई थी, वहाँ पर ग्रीन कलर में अप्लाई कर रही हूँ इस तरह। और अब रेड कलर लेके मैं ये जो मैंने ये वाला एरिया बनाया है इसकी आउटलाइन कर रही हूँ। ये लाइक जैसे मॉस्क टाइप जो एरिया बना है इसकी मैं पहले मतलब आउटलाइन कर रही हूँ रेड कलर के साथ, और इस रेड कलर को भी मैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट से ही ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये भी एक हमें 3D लुक दे, ठीक है। पेंटिंग में जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होता है ना, वो मतलब पेंटिंग को बहुत खूबसूरत बनाता है। अब ये येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ जो बच के है नीचे वाला एरिया, उसमें येलो और पैरेट मिक्स ही है। I mean, आप कोई भी लाइट कलर चूज़ कर सकते हैं येलो में से कोई भी। अब मैं येलो कलर की भी आउटलाइन कर रही हूँ यहाँ पे, देखें ये इस तरह। ये मैं आउटलाइन इसलिए कर रही हूँ ताकि ये हाईलाइट हो सके, मतलब जो मैंने पोर्शंस बनाए हैं ना पेंटिंग में, वो सब पोर्शंस सेपरेट लगें और हाईलाइट हो सके और हमें पता चल सके, मतलब कोई भी चीज़ मर्ज ना हो। अब ये जो मैंने आपको पहले कंपास के ज़रिए एक सर्कल बनाया था उसकी मैं आउटलाइन ब्लैक से कर रही हूँ, ये भी इसलिए कर रही हूँ ताकि ये वाज़े हो सके। अब ये जो लास्ट वाला जो राइट साइड वाला कॉर्नर था उसमें मैंने पहले रेड कलर अप्लाई किया, उसके बाद ऑरेंज और फिर येलो, इन सब कलर्स को भी मैं ब्लेंड करूँगी इस तरह के क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट हो इसमें भी, ये इस तरह। और इसके बाद ये इस तरह, इनको आपने ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से लेकिन क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में, ठीक है। अब ये जो ये ब्लू सर्कल है ना जो हमने कंपास से ड्रॉ किया था, इसके अंदर की डिज़ाइनिंग के लिए मैं इसके पार्टीशन कर रही हूँ, लाइक इसके पोर्शन बना रही हूँ। इसके कुछ हिस्से में मैंने कैलीग्राफी करनी है, कुछ हिस्से में मैंने डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। ये
अब ये मैं इसमें येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ और ये वाला कलर मैंने इस पोर्शन में यूज़ किया। ये हमारा बैकग्राउंड तकरीबन हो गया। अब मैं फ्री हैंड कैलीग्राफी कर रही हूँ हमारे राइट साइड वाले कॉर्नर पर, जिसमें हमने रेड येलो और ऑरेंज कलर को मतलब लेयर्स की तरह वो अप्लाई किया था और क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की थी। आपको पता है ये जो मैं फ्री हैंड कैलीग्राफी कर रही हूँ इसमें मैं कोई भी एक्रेलिक कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं इसमें सिर्फ एक कैलीग्राफी इंक को यूज़ कर रही हूँ, लाइक ब्लैक कैलीग्राफी इंक लिया है मैंने, मैंने और कुछ भी नहीं लिया, लाइक कोई एक्रेलिक नहीं मैंने यूज़ किया। और ये फ्री हैंड कैलीग्राफी आपकी पेंटिंग को बहुत खूबसूरत बना सकती है। और ये मैं इसकी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ लाइक ताकि एक बहुत प्यारा लुक आ सके, 3D लुक टाइप आ सके। और अब ये हमारा तकरीबन रेडी हो गया बैकग्राउंड। अब ये जो ये वाला पोर्शन था, एक हमने दो सर्कल्स बनाए थे ना, एक सेमी सर्कल बनाया था और एक उससे भी मतलब क्वार्टर टाइप सर्कल बनाया था, इसमें भी मैं फ्री हैंड कैलीग्राफी कर रही हूँ। पहले मैं उसके मैचिंग कलर से मैंने की है कैलीग्राफी फ्री हैंड, और उसके बाद मैंने उससे थोड़ा सा डार्क कलर लिया, वो डार्क कलर इसलिए मैंने चूज़ किया है ताकि ये 3D लुक आए। ठीक है, 3D लुक इसी तरह ही आता है, सबसे पहले हमने बेस कलर के साथ कैलीग्राफी करनी है मैचिंग कलर के साथ, उसके ऊपर फिर हमने डार्क कलर अप्लाई करना है, लाइक डार्क कलर के साथ हमने कैलीग्राफी करनी है। और अब मैं इसमें शेडिंग दे रही हूँ ब्लैक कलर की। और ये भी मैंने आपको जैसे बताया ना कि 3D लुक देने के लिए पहले बैकग्राउंड के साथ मैचिंग कलर से हम लोग कैलीग्राफी करेंगे। ये वही सर्कल की डिज़ाइनिंग हो रही है। इसके बाद अब हम मेन राइटिंग लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम वाइट कलर मैंने यूज़ किया है, टाइटेनियम वाइट कलर। ठीक है, इसके साथ मैं जो मेन लाइक कैलीग्राफी है वो मैं कर रही हूँ, ये मैं लिख रही हूँ सबसे पहले अलकौसर, चूँकि सूरह कौसर की कैलीग्राफी हो रही है तो इस वजह से सबसे पहले कौसर लिख रही हूँ अलकौसर। और आपने पहले इसको सिर्फ एक कोट देना है, लाइक एक कोट से लिखना है आपने। मैंने इसमें कोई इंक नहीं यूज़ की, मैंने सिर्फ एक एक्रिलिक कलर लिया है, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके मैंने लिखा है ताकि एक फ्लुएंसी आ सके। फ्लुएंटली लिखने के लिए एक्रिलिक कलर को डायरेक्ट एक्रिलिक कलर के साथ नहीं लिखना आपने, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है ताकि उसकी कंसिस्टेंसी भी बरकरार रहे और हम इजीली लिख भी सकें। ठीक है, अब मैं दोबारा एक बेस कलर के साथ मैचिंग वाला कलर यूज़ करके नीचे एक सूरह कौसर को लिखा है मैंने इस तरह, आपको नज़र आ रहा होगा, ताकि 3D लुक दे सकूँ। अब मैं मेन राइटिंग दोबारा वाइट कलर से करूँगी सूरह कौसर की। ठीक है, ये देखें। और हाँ, अगर आपको ब्रश से लिखना नहीं आता, आपने सीखना है कि ब्रश से किस तरह लिखें, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं, जिसकी ID है कल्बे कुरान कैलीग्राफी, तो मैं उसमें आपको मतलब इजीली आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप मतलब किसी भी चीज़ की आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे इजीली क्वेश्चन कमेंट्स में भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं सिर्फ एक पहला कोट अप्लाई कर रही हूँ वाइट कलर का, जो मैं मेन राइटिंग कर रही हूँ। इसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर एक और कोट दूंगी मैं, ताकि राइटिंग वाजे हो सके, ना कि राइटिंग के पीछे हमें बैकग्राउंड वाला सब कुछ नज़र आए। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस पेंटिंग के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, जो कि मेरी ID है कल्बे कुरान कैलीग्राफी, मैंने आपको पहले भी बताया है।
और ये अब हमारी मेन राइटिंग जो मैं कर रही हूँ लाइक वाइट कलर से, ये मैं सिर्फ एक फर्स्ट कोट अप्लाई कर रही हूँ अभी। इसके बाद एक और कोट भी आएगा लेकिन वो इसके ड्राई हो जाने के बाद हम इसके ऊपर सेकंड कोट अप्लाई करेंगे। इसके बाद फिर मैं इसकी ब्लैक कलर से शेडिंग भी करूँगी। इस सब मतलब जो मैंने लिखा है मेन राइटिंग की ब्लैक कलर से शेडिंग करूँगी ताकि 3D लुक अचीव हो सके। एक्चुअली तो हमने अपनी पेंटिंग का 3D लुक ही अचीव करना है ना। और हाँ, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अपने पेंटिंग में कभी भी नॉर्मल ब्लैक मार्कर मत यूज़ कीजिएगा, जो कि मतलब नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं बारीक निब वाला कट निब मार्कर। क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज़ की है तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसको हैंडल किया है। अगर आप करेंगे तो वो आपकी पूरी पेंटिंग को मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा, तो आप प्लीज़ उससे अवॉइड कीजिएगा। अब ये हमारी पेंटिंग और राइटिंग कंप्लीट हो गई है और अब ये हमारा फाइनल लुक है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। और इसके रिलेटेड कोई भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे इजीली बात कर सकते हैं, कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि मतलब कोई टेक्निक, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ भी पूछना चाहते हो आप मुझसे पूछ सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर आपको ये पेंटिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।